चैनल हिंदी हेल्प मास्टर के इस लाइव स्ट्रीम वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करूंगा, जो कि बिहार बोर्ड 12th 2021 एग्जामिनेशन में पूछने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई और वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जितने भी प्रश्न कराऊंगा, लगभग 175 प्रश्न कराने वाला हूं, जितना संभव हो सकेगा मैं कराऊंगा, और उसमें से गारंटी के साथ 35 प्लस आपको बन जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन आप कल जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें 35 प्लस क्वेश्चन आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, साइंटिफिक या बोटानिकल नेम ऑफ पियर इज क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पायरस कम्युनिस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दो है, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज कैरिड आउट बाय मीनिंग ऑफ? दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ राइजोम इज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि पोटैटो और गिंगर दोनों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चार है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बल्ब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनियन एग्जाम्पल ऑफ बल्ब है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द एंडोस्पर्म इज फाउंड इन एंगिस्टर्म्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ट्राइप्लॉइड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनिया आर फाउंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रास। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसे ज्वाइन कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच अमाउंट द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थ? कार्पिक फ्रूट। तो चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वीडियो कुछ ख़राब दिख रहा होगा या आवाज़ क्वालिटी इतना स्पष्ट नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि नेट अभी स्लो चल रहा है। तो सात का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनाना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीट ग्लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। होमोक्लोरियल प्लासेंटा इज फाउंड इन विच अमोंग द फॉलोइंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी ह्यूमन बींग। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, द टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन अ
फ्यूटस इज कॉल्ड एज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कस्कटा इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कस्कटा इज, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी, टोटल स्टेम्स पैरासाइट। टोटल स्टेम्स पैरासाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफाइट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोफाइट्स का एग्जाम्पल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों इसका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 13 में कर रहा है म्यूटेशंस कैन बी इंक्लूड बाय, तो चलिए इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, हाउ मेनी जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ ए बी ओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन सी, थ्री जीन्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव टू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ बी डीएनए, तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, 3.4 एंगस्ट्रम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज टर्मिनेशन कोडन, टर्मिनेशन कोडन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, द करैक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए, कम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ, यानी कि कैंसर और ऑक्नोजिन्स दोनों का स्टडी नाम क्या है, ऑन्कोलॉजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन बी, बायो फर्टिलाइजर इसका सही आंसर हो जाएगा, बायो फर्टिलाइजर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिसका भी कल बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20, द ऑर्गेनिज्म विच इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायो फर्टिलाइजर्स। दोस्तों अगर आवाज़ क्वालिटी में और वीडियो क्वालिटी में परेशानी हो रहे होंगे क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर का इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। प्रश्न नंबर 22, द बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट मॉडल्स ऑफ लिगामिनस प्लांट्स आर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आवाज़ क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रहे होंगे क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, क्वेश्चन 23, रेस्ट्रिक्शन इन जेम्स आर, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोन टुक्लीज
एडेंटोक्लीज, सॉरी दोस्तों आवाज़ का क्वालिटी थोड़ा ख़राब चल रहा है, आवाज़ की क्वालिटी थोड़ा ख़राब चल रहा है, इसलिए क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर बहुत ही स्लो चल रहा है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवाज़ कट कट के पहुँच रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप कोशिश करें कि क्वेश्चन और आंसर ऑप्शन पर ज़्यादा ध्यान दें, आवाज़ क्वालिटी थोड़ा ख़राब है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, सोर्स ऑफ इको आर आई इंजाइम इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई कोली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्यूसोजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी ई जी। प्रश्न नंबर 26, विच विटामिन इज फाउंड इन गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसका 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन वाज रिटेन बाय, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी आर मल्टस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ओविपेरियस आर क्या है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, हेन स्नेक क्रोकोडाइल तीनों है ओविपेरियस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रश्न संख्या 30, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बीवोर्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31, इन अ नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ फ्लोरा एंड फौना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32, गिर सेंचुरी इज फेमस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लायंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगर आपको प्रश्न में पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं मीथेन है, कार्बन तो आप अगर आपसे पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से है, तो आप बता सकते हैं मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और फ्लोरोकार्बन है, CFC है। इनमें से नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34, बायोगैस कंटेंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, बायोगैस के अंदर ये तीनों मौजूद रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ, तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्टिंग ट्रीज फ्रॉम फेलिंग डाउन बाय ह्यूमन बींग्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों एक सेट कंप्लीट हो चुका है, चलते हैं अगले सेट में। और इस तरह मैं 5 सेट इस वीडियो में कराने वाला हूँ। सो आप
वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैंने देखता शुरू से ठीक से चले कि नहीं शुरू से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर एक, ये दूसरा सेट है और दूसरा सेट का पहला प्रश्न, वीवी पार्टी इज फाउंड इन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शार्क्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज फाउंड बाय सिंगल पैरेंट देन इट इज कॉल्ड एज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिप्रोडक्शन बाय बडिंग अकर्स इन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज वेजिटेटिव प्रोपगेट, इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जू स्पोर, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या पाँच, पोलेन गेंस रिप्रेजेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फाइव का सही आंसर हो जाएगा सी, मेल गेम टू फाइट, मेल गेम टू फाइट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या छः, द वॉल ऑफ पोलैंड गेन बाय गेन इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर छः का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टी लेयर्ड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर सात, सीमेन इज फ्रोजन इन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या सात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी प्रश्न संख्या सात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड नाइट्रोजन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आठ, चलिए प्रश्न नंबर आठ, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन जीमेट्स में, तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या आठ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं ह्यूमन के जीमेट्स में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन इंडिया फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 ईस्वी, रैपिड डिक्लाइन इन अ पॉपुलेशन ड्यू टू हाई मॉर्टेलिटी रेट इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, हाउ मेनी करेक्टरिस्टिक्स वेयर स्टडीज बाय मेंडल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेंडल सेलेक्टेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 डी, गार्डन पी। प्रश्न नंबर 13, आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए इज इन कंटेनिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, ए सीक्वेंस ऑफ थ्री बेस ऑन टीआरएनए विच वर्ड बाइंड्स टू एमआरएनए कोडन इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, एंटीकोडन, उसे एंटीकोडन कहा जाता है। पूछ रहा है प्रश्न में कि एक सीक्वेंस बताइए जो टीआरएनए एमआरएनए से बंधा रहता है किस कोडन के साथ, तो एंटीकोडन के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ ए मोनोसी एस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सॉन, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर सोलह, एडेप्टिव रेडिएशन इन ऑस्ट्रेलियन
प्रश्न संख्या 16, एडेप्टिव रेडिएशन इन ऑस्ट्रेलियन दोस्तों थोड़ा आवाज़ क्वालिटी यहाँ पर दिक्कत हो रहा है दोस्तों थोड़ा आवाज़ क्वालिटी यहाँ पर दिक्कत हो रहा है 16 का सही आंसर 16 प्रश्न है एडेप्टिव रेडिएशन इज ऑस्ट्रेलियन मसुपीलियस आर एग्जांपल ऑफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एच आई वी अटैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, किस सेल पर एच आई वी अटैक करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का 17 का ऑप्शन नंबर डी टी हेल्पर सेल पर, टी हेल्पर सेल पर इसका सही आंसर हो जाएगा टी हेल्पर सेल, एच आई वी अटैक करता है टी हेल्पर सेल पर। प्रश्न नंबर 18, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज वेस्टिगियल ऑर्गेन्स इन मैन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी बोथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द बर्ड प्रश्न नंबर 19 द बर्ड एक्रियोप्रेट्रिक्स वाज फाउंड इन विच पीरियड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जुरासिस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड एज, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड एज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड राइबोन्यूक्लियोटाइड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइबोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, राइबोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड। प्रश्न संख्या 22 नेम ऑफ ऑर्गेनिल विच हेल्प्स इन ट्रांसलेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज रिलेटेड टू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बी सेल्स इसका सही आंसर हो जाएगा बी सेल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रश्न संख्या 24, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड डिजीज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साल्मोनेला टाइफी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द कॉमन टू अर्थवर्म मशरूम्स डंग्स बीटल एंड सॉइल माइट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेट्री वाइवोर्ट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा डेट्री टाइवोर्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गिर फॉरेस्ट इज फेमस फॉर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लायन, गिर फॉरेस्ट इज फेमस फॉर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लायंस, इसका सही आंसर हो जाएगा लायंस। दोस्तों थोड़ा आवाज़ क्वालिटी में प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए माफ़ी चाहूँगा,
बट आप कोशिश करें कि क्वेश्चन और आंसर को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। कल के एग्ज़ाम में इसमें से 35 प्रश्न आने की पूरी गारंटी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड चेन इन अ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में फूड चेन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, दोनों, ग्रेजिंग और डेट्रिट्यूस दोनों होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28। विच एमोंग द फॉलोइंग एनिमल्स बिकम एक्सट्रिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी, टाइगर। इसका सही आंसर हो जाएगा टाइगर। प्रश्न संख्या 29। विच एमोंग द फॉलोइंग इज जेरोफाइटिक प्लांट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपुंतिया। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30। एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल जीन क्लोनिंग वेक्टर इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाई प्लास माइट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31। एसिड रेन अकर्स इन ड्यू टू। एसिड रेन जो होते हैं वो क्यों होते हैं, उसमें क्या शामिल रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NO2 एंड SO2। प्रश्न संख्या 32। सारबती सोनोरा एंड कल्याण सोना इज इम्प्रूव वेरिटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 32 का सही आंसर हो जाएगा विट यानी कि गेहूं, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33। विच बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म मिल्क टू कर्ड। दूध से दही किस बैक्टीरिया के कारण बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैकिलस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34। 34 है सोमैटिक एम्बायोजेनेसिस कैन बी डन बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35। RNA इज अ मेथड विच टू कंट्रोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, दो सेट खत्म हो चुका है, अब हम चलते हैं तीसरे सेट पर। टोटल 5 सेट आज कंप्लीट करना है और इस 5 सेट में से 35 नंबर फिक्स है कि 35 प्रश्न कम से कम इसमें से जरूर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग, जितने भी दोस्त अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, सब इसे शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनीमोफिली टेक्स प्लेस बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाय वाइंड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंटीमोफिली टेक्स प्लेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाय इंसेक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल इन मैक्रो प्रोपगेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, ए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
पोलेन ग्रेन्स में भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनीमोफिलस फ्लावर्स आर यूजुअली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का डी, ऑप्शन नंबर 5 का डी। तो बोथ बी एंड सी दोनों, इसका सही आंसर हो जाएगा अट्रैक्टिव एंड स्मॉल दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फीमेल जिमेटोफाइट एंड एंगियोस्पर्म्स आर रिप्रेजेंट बाय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्बायरोसैक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सर्टोली सेल्स प्रेजेंट इन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन टेस्टिक्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन फीमेल, जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन फीमेल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9 मंथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। सहेली ए फीमेल एंटी फर्टिलिटी पिल इज यूज्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीकली, ऑप्शन नंबर बी वीकली। ड्रग्स RU486 इज यूज्ड एज, इसका सही आंसर हो जाएगा, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एबॉर्टिव एजेंट के रूप में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 11, लॉ ऑफ सिग्रेजेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जिमेट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडीज आर अब्सेंट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियोटाइड्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिरिमिडिन्स प्रेजेंट इन डीएनए आर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, थायमिन एंड काइटोसिन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच मेक्स द डिसीजन रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोडक्शन जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वाइर्ड करेक्टर्स वाज गिवेन बाय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लामार्क्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूज्ड फॉर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर सी, फॉर टाइफाइड। प्रश्न संख्या 18, वायरस इज मेड अप ऑफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबंडेंटली प्रेजेंट इन गोल्डन राइस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, थायमीन।
प्रश्न संख्या 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज नॉट अ मेजर कार्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 21, पैस्टीरिजेशन इज हीटिंग ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी, 21 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टी लैम्पोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम, टी लैम्पोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोन मैरो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोन मैरो। प्रश्न संख्या 23, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए रिकॉग्नाइज्ड बाय रिट्रैक्शन इंडोन्यूक्लियस आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए मॉलिक्यूलर टेक्निक इन विच मल्टीपल कॉपी ऑफ द डिसाइड्स जीन इन साइंथेसिस्ड इज विट्रो कॉल्ड इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 24 का सही आंसर हो जाएगा पीसीआर, इसे कहा जाता है पीसीआर। 25, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइलेंसिंग ऑफ अ जीन कुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरएनए आई एंड एंटी सेंस आरएनए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन रिजल्ट इन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वन ऑफ द मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, द टर्म बायोकॉन्सिस वाज क्वाइंड बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोबियस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीकम्पोजर्स आर तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया एंड फंगी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर ऑप्शन नंबर सी, टाइगर्स के लिए फेमस है। डोगो इज ऑप्शन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पॉपुलेशन ऑफ SO2 डिस्ट्रॉय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 33 का लिचेन इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, एक्ट फॉर्मुलेट इन 1986 वाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनवायरनमेंट एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन एक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस सीरीज का लास्ट वीडियो प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35 है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉपुलेंट आर कॉज्ड बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूमंस। दोस्तों इस सेट का ये लास्ट प्रश्न थे, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों अब तीसरा सेट है। तीसरा सेट का पहला प्रश्न है विच वन इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइगोट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दो, विच वन इज नॉट ए हर्माफ्रोडाइट एनिमल। हर्माफ्रोडाइट एनिमल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉर्स फ्लाई। हॉर्स फ्लाई यानी कि मक्खी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, थ्री का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन विट्रो। शरीर के बाहर कहाँ होता है, तो इन विट्रो। चलिए दोस्तों, थैलमस इज एडिबल पार्ट ऑफ, थैलमस इज एडिबल पार्ट ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथा का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लेस्ट्रोगेमस फ्लावर आर ऑलवेज, तो पांच का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ पोलिनेटेड, सेल्फ पोलिनेटेड। प्रश्न संख्या छः, एरिल इज एडिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, छः का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीची। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो सात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइगोट। प्रश्न नंबर आठ, मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आठ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टिस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी फ्रेंड्स कल एग्जाम देने वाले हो उसको ऑब्जेक्टिव के सेक्शन में 35 में 35 आ सके। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 35 में 35 मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर नौ, व्हाट इज वर्क ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी क्या काम करता है, तो न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेप्रोसी डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दस का ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेरिसोमी कॉजेज रिटार्डेशन इन चाइल्ड विच इज नॉन एज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाउन सिंड्रोम। प्रश्न संख्या 12, डीएनए फिंगरप्रिंट्स इज 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डीएनए टाइपिंग एंड डीएनए प्रोफाइलिंग। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेथरीन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, विच डिजीज इज ड्यू टू हेमोग्लोबिन डिफेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकल सेल एनीमिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्रश्न संख्या 16, डार्विन्स फिंच आर गुड एग्जांपल ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, अडैप्टिव रेडिएशन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायरसेस आर स्टडीड इन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरोलॉजी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंक्रीज्ड स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर ड्यू टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन
डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, विच फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कोकेंस इज ऑब्टेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इरोथ्रोक्सिलम कोका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, लेगहॉर्न इज द इम्प्रूव ब्रीड ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा चिकन, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, विच माइक्रोब इज यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैक्टिलस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन, 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पिरुलिना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज टू ब्रेक द बैक्टीरियल सेल वॉल टू रिलीज डीएनए एंड अदर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोजाइम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24, इसका सही आंसर हो जाएगा, द टोटल जीन एंड देयर एलर्स इन अ पॉपुलेशन इज नॉन एज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन पूल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द टॉक्सिन प्रोटीन सेपरेटेड बाय बेलिकस थोरिंग्स जीनेसिस इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्राई प्रोटीन। 26, प्रश्न संख्या 26, इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग इज एक्सप्रेस्ड इन हेटरोलोजस होस्ट देन इट इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेटरोजीगोस प्रोटीन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इकोटोन इज, इसका सही आंसर हो जाएगा, 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बायोस्फीयर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, हु इंट्रोड्यूस्ड टर्म इकोसिस्टम, कौन इंट्रोड्यूस्ड कर किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जी ट्रांसले। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉइल डेवलपर्ड फ्रॉम सेडिमेंटेड रॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेडोजेनेसिस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31, रेड डेटा बुक इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 31 का सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों इसका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32, रिनो सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फैक्टर्स ऑफ एसिड रेन्स आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी, NO2 and SO2। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनरली थ्रेशोल्ड ऑफ साउंड इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 to 30 decibel। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून
दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये वीडियो का लास्ट सेट है और आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो को देख लीजिए और इसको देखने के बाद अगर आप कल एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, बायोलॉजी का कल एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, तो आपको 35 में 35 प्रश्न बनाकर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो की बदौलत आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या एक, अंतिम सेट का प्रश्न संख्या एक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में कौन सा चीज़ अब्सेंट रहता है? तो ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिप्लॉयड इज, डिप्लॉयड इज क्या है? तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों है, यानी कि ओवम एंड पोलियन दोनों है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिमेट्स इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेम्टोजेनेसिस। तो चलिए इस अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या चार। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एम्ब्रायो सैक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिसाइड न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रायो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच वन इज ए फेल्स फ्रूट, फेल्स फ्रूट किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पाँच का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एप्पल को फेल्स फ्रूट कहा जाता है, एप्पल को फेल्स फ्रूट कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनी फोली टेक्स प्लेस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही सिक्स का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बाय वाइंड। प्रश्न संख्या सात। द टोटल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाय ए हेल्थी ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आठ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट इंक्लूड इन IVF, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आठ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीड्यूर प्रश्न संख्या न, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीड्यूर एज अ कंट्रासेप्टिव मेथड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर न का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। द मेन रीजन फॉर मेकिंग कॉपर टी मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर इंट्रा यूट्रेन डिवाइस इन फीमेल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिडक्शन इज मोटिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। विच वन इज फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12। क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन, यानी कि मेल में आपको क्रोमोसोम की नंबर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44 प्लस XY। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। बैक्टीरिया हैज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, यानी कि प्लास्मिड DNA एंड RNA दोनों है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रायो सैक इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द साइज ऑफ द वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20, यानी कि 22 150। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फेस्टिजिन ऑर्गेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 16 का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विडल टेस्ट इज डन टू कन्फर्म, विडल टेस्ट क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड को पकड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 18 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसका सही आंसर है, प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोनोरफोबिया, गोनोरफोबिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 19 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक, काउ वाज नेम्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा रोसी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 फ्लेवर सर्व इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसजेनिक टोमेटो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 बायो फर्टिलाइजर इज प्रेजेंट इन रूट नूडल्स ऑफ विच नन लेगुमियस प्लांट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रैंकिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22 विच ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन अल्कोहल इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट द फर्स्ट। प्रश्न संख्या 23 द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24 बायोलिस्टिक इज सुटेबल फोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 24 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट बिफोर इज रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट यूजुअली इंक्लूड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी दोनों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज वेक्टर फॉर डीएनए क्लोनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एक्सप्रेशन वेक्टर। प्रश्न संख्या 27 व्हाट पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर टाइगर सेंसस इन आवर कंट्रीज नेशनल पार्क एंड सेंट्रियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पग मार्क्स एंड फेकल पैलेट्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एप्रियंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इज एग्जांपल ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्री एग्जिटिंग वायरेशन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग पिरामिड आर नेवर इन्वर्टेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिरामिड ऑफ एनर्जी। बायोस्फीयर मींस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एटमोस्फीयर लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31 द परसेंटेज ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी 2.2, इसका सही आंसर हो जाएगा 2.2। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32 द मेन रीजन फॉर मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी इन टेम्परेट जोन देन ट्रॉपिकल जोन इज ड्यू टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा टेम्परेट जोन डू नॉट शो रेगुलर ग्लेशिएशन लाइक ट्रॉपिकल जोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है
द सेफ नॉइस लेवल फिक्स्ड बाय WHO, WHO के द्वारा सेफ नॉइस लेवल कितना फिक्स किया गया है, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा प्रश्न प्रश्न संख्या 33। द सेफ नॉइस लेवल फिक्स्ड बाय WHO, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 to 30 decibel। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34, लिचेन आर द इंडिकेटर्स ऑफ, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा एयर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अर्थ संबित 1992 फॉर द बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन वाज हेल्ड एट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के इस लाइव स्ट्रीम को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले किसी लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो का लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इसे अभी ख़त्म करते हैं।